हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूं संजीव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डलहौजी के बारे में, जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यहां पे घूमना चाहते हो बेस्ट ट्रैकिंग का, अगर आप आनंद उठाना चाहते हो, तो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कौन सी ऐसी प्लेसेज है जहाँ पर बेस्ट ट्रैकिंग मिलती है और साथ साथ आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को कम्प्लीट देखना, अगर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, आज का ये व्लॉग। डलहौजी से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है आपका गंजी पहाड़ी का रास्ता, जहाँ की सबसे बेस्ट ट्रैक मिलता है। यह है पंचवटी का, यहाँ पे वाटरफॉल, उसके अलावा ये यहाँ का नज़ारा है, काफ़ी बेस्ट नज़ारा है यहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ये हम आ चुके हैं पंचकुला में। ये यहाँ पे स्टार्ट होती है ट्रैकिंग, और ये यहाँ का वाटरफॉल है। अभी जो वाटरफॉल कम हो गए, बाकी बहुत ज़्यादा वाटरफॉल होता था यहाँ पे। अभी फोटो शूट करा रहे हैं बच्चे, ये यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह है, तो यहाँ पे जैसे जंपिंग की वगैरह की है और रोप भी है, और बाकी वहाँ पे देखो पैदल चल रहे हैं तो अलग अलग रहती है जंपिंग जैसे वगैरह, तो अलग अलग रहता है। अगर आप जाना चाहते हो तो कर सकते हो आप। अभी मैं कर रहा हूँ गंजी पहाड़ी की ट्रैकिंग, तो यहाँ पे बिल्कुल सुनसान सा एरिया है, कोई दिख ही नहीं रहा। बाकी आगे दिखाता हूँ आपको। ये अभी गंजी पहाड़ी का ट्रैक है, जो कि थोड़ा सा ऊपर है हाइट पे, तो थोड़ा सा लगता है यार यहाँ पे। ये अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया गंजी पहाड़ी का ट्रैक। ये बीच में आने के बाद देखो आपको ऐसा मोमेंट दिखेगा, काफ़ी अच्छा है। अभी हम और ऊपर जाएंगे, तो वहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगेगा। कौन है? ट्रैक कर करके हालत हो रखी है ख़राब, आसपास कोई एक बंदा भी नहीं। अब ऊपर जाएंगे, वहाँ देख के बताएंगे कौन कहाँ पे है, क्या है यहाँ पे नज़ारा। लास्ट में हमें ऊपर आके बर्फ मिली गई। गंजी पहाड़ी पहुँचने के बाद का व्यू, जो कि काफ़ी लाजवाब है और मन को मोहने वाला है। बाकी यहाँ जो ट्रैकिंग है यार, वो बहुत ज़्यादा थकाने वाली ट्रैकिंग है, हमारी हालत ख़राब हो गई। देखो बाकी ऊपर से ज़्यादा दिखाते हैं और क्या दिखेगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है यहाँ पे सबसे बेस्ट। इतनी थकावट मेरे को कभी नहीं हुई जितनी थकावट यहाँ पे आके हुई, क्योंकि यार एक तो ये पहाड़ी है और बाकी यहाँ का नज़ारा भी थोड़ी अलग ही है, बिल्कुल गाँव का एरिया। बाकी यहाँ पर पशु भी आते हैं मेरे को देख लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है यार। देखो यहाँ आने के बाद का नज़ारा, ये है मड हाउस, ठीक है, और बाकी है गंजी पहाड़ी। गंजी पहाड़ी का मतलब ये है, यहाँ पे ना पेड़ पौधे इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से इसका नाम गंजी पहाड़ी है। बाकी ये लोकेशन है, अगर आप यहाँ पे आते तो इस लोकेशन को एक बार ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मोमेंट है।